एक बार फिर से रुख करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर का, जहां पर मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मौजूद है। आनंद, कुछ देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, कुछ क्षणों का वक्त बाकी है। न सिर्फ बूथ ब्लॉक बल्कि जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आज इस संबोधन पर पूरे देश की निगाह है। माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश देंगे और आज इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल भी मानकर लोग देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप और क्या कुछ तैयारियां वहां पर, कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी निगम से लेकर पंचायत से लेकर संसद तक का चुनाव है, उसको उसी मेहनत से लड़ती है, नेताओं की फौज उतार दी जाती है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होने जा रहा है उस पर सबकी नज़र है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि सामने चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव की तो घोषणा हो चुकी है, उसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों के चुनाव में उसके साथ सबसे बड़ी लड़ाई 2024 की लड़ाई है। और ऐसे में अब से कुछ देर में जेपी नड्डा संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के संबोधन पे सबकी नजरें हैं। आज आपकी पार्टी जो है वो 43 साल की हो गई है। जी सर, पार्टी का आज स्थापना दिवस है, 43 साल सफलतापूर्वक पार्टी ने बनाए हैं और पूरे देश में अभी कर्नाटक चुनाव और जो भी बचे हुए चुनाव उनमें हम लोग की पूरी तैयारी है। और ठीक है, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है, पहुंच रहे हैं, हम लौटेंगे आपके पास। सीधे चलना होगा हमें कोलकाता, जहां पर रवि दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के। रवि, बीजेपी की बंगाल में आज को लेकर क्या तैयारी है? और बंगाल वो किला था जहां पर एक नहीं बल्कि दो बड़ी चुनौतियां थी बीजेपी के पास से। पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरीके से किला था और फिर वो देखिए टीएमसी का था, उसके पहले कांग्रेस का था, लेकिन बीजेपी ने भेदा है और विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर स्थापित हुई है नरेंद्र मोदी के ही काल में। तो इस चीज को कैसे देखा जा रहा है और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कितने आशान्वित हैं आने वाले भविष्य में कि वहां पर भी सत्ता बीजेपी की होगी? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में अगर तृणमूल कांग्रेस को कोई चुनौती दे रहा है तो वो बीजेपी है। आप देख सकते हैं ये जो आज हनुमान जयंती को लेके पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो सिर्फ बीजेपी के कारण ही हो पाए हैं। इसका कारण बीजेपी ने कोर्ट में केस किया था और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि सेंट्रल फोर्स की यहाँ पे जरूरत है और इसीलिए कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बीजेपी यहाँ पे अपना 77 एमएलए को लेके ममता बनर्जी को चुनौती दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम एक विधायक पे खड़े हैं और बाकी जितने विधायक है वो तृणमूल कांग्रेस के। आपको एक बार नजारा दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे सुकांत मजुमदार जो कि स्टेज पे भाषण दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को दिखाते रहिएगा, आपके पास दोबारा से रुक करेंगे।